मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। जिया शंकर ने शिव ठाकरे और दिव्या अग्रवाल को लेके बोली है ये बड़ी बात है, जो जानना आपके लिए है काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में आप लोग शिव ठाकरे को देखेंगे। दिव्या अग्रवाल को आप लोगों ने बिग बॉस OTT सीजन 1 में देखा और विजेता भी बनाया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, जिया शंकर जो है काफी ज्यादा अलग, मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स जो है अभी देती हुई नजर आ रही है। लोग उनको अभी से ही काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं, और वहीं पर जो है जिया सबके साथ बैठी थी। जिया जो है जहां पर बता रही है कि उनको आखिरकार लड़के कैसे पसंद है, उनको गुड वाइब्स वाले लड़के पसंद है, जॉली लड़के पसंद है, हंसी मजाक करने वाले लड़के पसंद है, जिसमें ये क्वालिटीज रहे, और जेलस भी अगर होता है तो हेल्दी वे में जेलस हुआ तो वो चीजें पसंद है, ऐसे वैसे जेलस हो गया और टॉक्सिक हुआ तो वो लड़के उनको पसंद नहीं है। और अगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाए तो उनका कहना ये है कि वो अपने आप को जो है शिव ठाकरे से कंपेयर कर सकती है, कि शिव ठाकरे जैसे थे वैसी इनकी पर्सनालिटी है और शिव ठाकरे उनको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और वहीं पर जो है अगर बिग बॉस OTT की बात करें तो वो पिछली बार जो है बिग बॉस OTT देख भी रही थी और दिव्या अग्रवाल को वो पसंद कर रही थी। अगर ओवरऑल देखें इनकी बातों से अगर कैलकुलेशन करें तो मतलब ये जॉली भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी कि शिव ठाकरे जो है काफी अच्छा गेम भी खेले और उसी दौरान ही जॉली भी रहे, लोगों को हंसाया भी, और काफी अच्छा करेक्टर है उनका। और एक दौरान अगर यहां पर हम देखें तो दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा फोकस है गेम को लेके, इसलिए वो विजेता बनी और लोगों ने उनको पसंद किया। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो जिया शंकर है। तो अब जो है आखिरकार उनकी पर्सनैलिटी ऐसी निकल के सामने आ रही है, तो क्या आप लोग ऐसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करेंगे, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।